वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। आज मैं आर्टिकल का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिफिनिट आर्टिकल का यानी द का यूज कहाँ पे करना है। इसके बाद आपको यही बताएंगे कि कहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड नेम ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स। यानी द का यूज कहाँ पे करना है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले। अब आप ये बताइए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है। जब तक आप नहीं समझेंगे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, तो शायद आप ए एन का यूज, द का यूज करने में मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल होता है अगर इसको हम बोलें 1 2 3, लेकिन इसको आप ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट, बोल सकते हैं सेकंड, थर्ड, तो ये चल रहा है फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी जहां भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स होगा, वहाँ पे क्या यूज करना है? द का यूज करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी द का यूज जो करना है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले करना है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया या द सेकेंड सीएम ऑफ झारखंड। दो एग्जाम्पल आपके पास है, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया और द सेकेंड सीएम ऑफ झारखंड। तो अब यहां जो फर्स्ट और सेकेंड आया है, तो इसके पहले आप देख रहे हैं द का यूज हुआ है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये लिख दें सेकंड सीएम ऑफ झारखंड, तो ये सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए कि लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले आर्टिकल डिफिनिट का यूज किया जाएगा, यानी द का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं, नेम ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स। अब इसका मीनिंग होता है, इन्वेंटेड का मीनिंग होता है आविष्कार, आविष्कार। जो भी आविष्कार हुआ है, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, फोन हो, वो सब के पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, हु इन्वेंटेड द टीवी, हु इन्वेंटेड द टीवी। अब जो टीवी है वो क्या है? इन्वेंशन है। क्या टीवी? इन्वेंशन है। तो इन्वेंशन के पहले क्या यूज किया गया है? डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया है। उसी प्रकार से अगर ये बोला जाए, एक पॉइंट और समझना होगा इसमें, कि अगर इन्वेंटेड को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप इसके पहले ए एन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये भी देख लीजिए आप। आई हैव बाउट अ टीवी टुडे। अब यहां पर देखिए, ये जो टीवी है इन्वेंटेड है, लेकिन जो यहां पे यूज हुआ है वो काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है। यानी अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा, तब आप टेलीविजन के पहले, इन्वेंटेड थिंग्स के पहले यूज कर सकते हैं ए एन का यूज। लेकिन अगर इन्वेंटेड थिंग्स के पहले होगा, तब वहां पे आपको यूज करना है डिफिनिट आर्टिकल का, यानी द का यूज करना है। इसी प्रकार से अगर इसमें हम देख लें, तो अगर
आप जो लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये जो है वो क्या है, रोमन, ये रोमन है। लेकिन अगर रोमन नंबर का यूज होगा तभी हम लोग डिफिनिट का यूज नहीं करेंगे। जैसे में एलिजाबेथ, एलिजाबेथ सेकंड, आप इसको ऐसे ले सकते हैं एलिजाबेथ द सेकंड, ठीक है। यानी ऑर्डिनल के पहले लगाना है, अगर रोमन अंक आएगा, रोमन नंबर आएंगे तो वहां भी द का यूज नहीं करना है, और इन्वेंटेड थिंग्स के पहले द का यूज करना है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा तब वहां भी द का यूज नहीं करना, कि द का यूज उसके अलावा भी कहां पे होगा, तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स, क्लब एंड पब्लिक प्लेसेस। यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बाद, जिसके पहले आर्टिकल यूज होगा, यानी डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यानी फर्स्ट में है न्यूज़पेपर, इसका मीनिंग होता है समाचार पत्र, समाचार पत्र। म्यूजियम में होता है संग्रहालय। इसके अलावा सिनेमा हॉल आप जान रहे हैं, थिएटर समझ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल, लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, आप पब्लिक प्लेसेस और क्लब, ये जितने आप देख रहे हैं पॉइंट, सब के नामों के पहले आर्टिकल का यूज होगा। यानी कौन सा आर्टिकल, तो आपको पता है कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। यहाँ जो यूज हो रहा है वो हो रहा है डेफिनिट आर्टिकल का, यानी द का यूज होगा। हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर है। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जितने भी न्यूज़पेपर होंगे वो सब के पहले आर्टिकल यूज होगा, यानी द का यूज किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे म्यूजियम। अब म्यूजियम जो होगा, जैसे कि द पटना म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, उसके अलावा द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, फिर है आपका लाइब्रेरीज, द ब्रिटिश लाइब्रेरी या द कांग्रेस लाइब्रेरी। तो आप देख रहे हैं कि जितना पॉइंट इसमें दिया गया है हर एक पॉइंट के पहले द का यूज हो रहा है। उसी प्रकार ये जो आपका एग्जांपल है वो है न्यूज़पेपर का, ये एग्जांपल है आपका म्यूजियम का, ये एग्जांपल है लाइब्रेरी का, आप देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ म्यूजियम आएगा, लाइब्रेरी आएगा, न्यूज़पेपर का नाम आएगा, उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। उसके अलावा मैं देखता हूँ एग्जांपल के थ्रू होटल्स के नेम है, यानी द ताज होटल, ताज होटल या द अशोका होटल, ये एग्जाम्पल हो गया होटल्स का, यहाँ भी द का यूज किया गया है। रेस्टोरेंट्स की बात करें अगर, तो जितना भी रेस्टोरेंट्स होगा वहाँ भी द का यूज किया जाएगा। उसके अलावा थिएटर होगा, सिनेमा हॉल होगा, क्लब होगा, पब्लिक प्लेसेस होगा, तो द का यूज किया जाएगा। अब पब्लिक प्लेसेस में द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द जू, ये सब क्या हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं।
पब्लिक प्लेसेस। ये है आपका होटल। अब क्लब की बात करें तो द गंगा क्लब, गंगा क्लब, द रोटरी क्लब, रोटरी क्लब, क्लब का मीनिंग कमेटी। तो जितना भी आप देख रहे हैं, अगर सिनेमा हॉल की बात करें तो अशोका टॉकीज, द मोहन गार्डन में है। तो इस तरह के जो पॉइंट आप देख रहे हैं उस सब के पहले जहां भी आएगा द के साथ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्केस्ट्रा, कमीशन एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी द का यूज पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले, ऑर्केस्ट्रा के नाम के पहले, कमीशन और इंस्टीट्यूशन के नाम के पहले किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जितने ये बॉडी के पार्ट्स हैं उनके पहले डिफिनिट आर्टिकल को यूज किया जाएगा। जैसे अगर आप ये कहें द हैंड, द आर्म, द लेग्स, ये सब क्या हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा हो गया, कमीशन हो गया, जैसे द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या हैं? कमीशन्स नेम है, कमीशन। और अगर बात करें इंस्टीट्यूशन की, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप समझ गए क्या है? अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम होगा या ऑर्केस्ट्रा का नाम होगा, कमीशन का नाम होगा और इंस्टीट्यूशंस का नाम होगा तो भी जो है द के साथ ही आएगा। इसके अलावा बहुत सारा मैं द का यूज देखा। अब आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ द का यूज नहीं होता है। अभी तक जो आप पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि कहाँ पे द का यूज करना है, कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है और कहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे कि कहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो को तो एक एक करके ग्रामर सेक्शन में जाकर यूट्यूब चैनल में जाइएगा, उसके बाद ग्रामर का सेक्शन बना हुआ है प्ले लिस्ट में, उसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं जितना भी ग्रामर का पार्ट होगा सब उसमें दिखाई देगा।